लाइफ कभी भी स्मूथ स्ट्रेट हाईवे की भांति नहीं होती जिंदगी तो छोड़ दो एक छोटी सी जर्नी करना होता है तो उस जर्नी में कितनी टर्निंग्स होती हैं कितना ट्रैफिक मिलता है कितने प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं तो यदि हम ये मान करके चल रहे हैं कि हमारे लाइफ में कुछ भी नहीं होगा कोई प्रॉब्लम्स नहीं आया होगा तो ये हमारी भूल है हमने उस दिन ये कहा ही नहीं था कि हमारी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है कुछ प्रॉब्लम जेन्यन होते हैं लेकिन मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम जेन्यन नहीं होते हैं हम ऐसा अज्यूम करके चलते हैं कि हमारी लाइफ में वो प्रॉब्लम बहुत बड़ा है तो सेवेंटी टू एट्टी परसेंट टाइम्स हमारी मैंटलिटी के कारण वे प्रॉब्लम हमें फेस करना पड़ता है अब रही बात ट्वेंटी टू थर्टी परसेंट जो प्रॉब्लम होते हैं वो जेन्यून होते हैं हार्ड टाइम्स आते हैं अब उसे हम कैसे फेस करें तो जब जब हमारे जीवन में ऐसे प्रॉब्लम्स आए जिसका सॉल्यूशन हमें नहीं मिल रहा है तो उसे क्या उस समय क्या करना उस समय सबसे अच्छा सॉल्यूशन है उन व्यक्तियों को देखना जो रियल लाइफ में इस सिचुएशन को फेस करके आगे बढ़े उनके तरीके को समझने की कोशिश करना हमारे पास हार्ड हार्ड टाइम्स हैं प्रॉब्लम्स हैं लेकिन जब हम उनको देखेंगे तो उनके प्रॉब्लम्स हमसे कई गुना अधिक होते हैं ऐसे लोग होते हैं उनके कंपेरिजन में हमारे प्रॉब्लम इतने प्रॉब्लमेटिक नहीं होते हैं, जितना हम मान लेते हैं मानने की बात नहीं फिर कहोगे कि नहीं रियली है प्रॉब्लम अब उससे मैं क्या करूँ आप जॉब खोज रहे हैं सर्च कर रहे हैं हम हाँ, सिलेक्शन ही नहीं हो रहा है जॉब ही नहीं मिल रहा है अब किसी को जॉब ही नहीं मिलता है तो वो स्ट्रेस में डिप्रेशन में आ जाता है ऐसे ही केस आया था हमारे पास इंजीनियरिंग पास आउट है पाँच छः साल हो गए अब उसे जॉब नहीं मिल रहा तो डिप्रेशन में आ गया होते ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो बिज़नेस करते हैं लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पाते जिस बिजनेस में हार्ड डालते हैं वहीं लॉसेस उन्हें फेस करना पड़ता है अथवा किसी भी फील्ड में कदम बढ़ाते हैं सक्सेस बहुत दूर रहती है तो ऐसे समय क्या करें ऐसे समय ये चिंतन करें कहीं ऐसा तो नहीं हमारा सिलेक्शन ही गलत है हम दूसरे पाथ को अपना करके चल रहे हैं और कहीं एक जगह में सक्सेस नहीं मिल रही है तो घबराना नहीं यह मान करके चलना दुनिया में हमारे लिए और भी बहुत सारे रास्ते हैं उन रास्तों में चल कर के हम सक्सेस को पा सकते हैं होता यह है कि जब एक जगह सक्सेसफुल नहीं रहते हैं तो वो इतना टेंसड हो, हो जाता है इतना टेंस हो जाता है इवन सुसाइडल फेज में भी जाने की कोशिश करता है कुछ होते हैं ट्राई भी कर लेते हैं कि यार कुछ नहीं बचा ज़िंदगी में पाँच साल हो गए छः साल हो गए सात साल हो गए ढूंढते ढूंढते मेहनत करते करते बिज़नेस पलटते पलटते कुछ लोग होते हैं पाँच छः साल में आठ दस बार बिजनेस चेंज कर लेते हैं होते हैं ऐसे भी हमने केसेस देखे हैं तो उन्हें बोले क्या हुआ बोले सक्सेस ही नहीं मिल रही तो उस समय हमारे पास जो सबसे बड़ी नीड होती है पेशेंस की होती है जो व्यक्ति पेशेंस रखना जानता है तो उस पेशेंस के माध्यम से हमें राह अवश्य मिल जाएगी हम देख लेंगे अब पाँच साल में कोई व्यक्ति छः बिजनेस को ट्राई कर ले तो ये तो ठीक नहीं है उस तो पेशेंस होना चाहिए वेट तो करना पड़ेगा उससे जो हम मेहनत कर रहे हैं उसका कुछ रिजल्ट निकल करके आएगा तभी अब आप फिर कहोगे कि नहीं चलो बिजनेस की छोड़ दो अब मैं जॉब की बात कर रहा हूँ बोले पाँच सालों को मैं जॉब सर्च मुझे जॉब सर्च करते करते लेकिन मुझे जॉब ही नहीं मिल रहा तो हमें सराउंडिंग को भी देखना पड़ेगा अब कोरोना का को कॉल है दो साल से मार्केट सिनेरियो ही ऐसे है तो जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड थे वे भी प्रॉब्लम में आ रहे हैं तो इस समय क्या हम देखें क्या करें तो जिसके भीतर धैर्य होगा जो पेशेंस रखना जानता है वही उस सिचुएशन को पार कर सकता है यदि हमारे भीतर धैर्य नहीं होगा तो हम वक्त से पहले ही हार जाएंगे तो परेशानी आती है हर एक की लाइफ में आती है अरे आप तो छोड़ दो हमारी लाइफ में आती है आचार्य भगवान की लाइफ में आती है तीर्थंकर भगवान की लाइफ में आती बड़े बड़े जो महापुरुष हैं बड़े बड़े, बड़े बिजनेसमैन हुए हैं जो बड़े बड़े सक्सेसफुल लीडर्स हुए हैं जिन्होंने टॉप पोजीशन अचीव की है क्या कभी हमने उनकी पास्ट हिस्ट्री को खंगालने की कोशिश की है? आज हम उनकी वर्तमान सिचुएशन को देख करके अपना आइडियल मान कर के चल रहे हैं गोल मान कर के चलते हैं लेकिन हम ये क्यों नहीं देखते कि वो जिस स्टेज पर पहुंचा है उसने पास्ट में कौन कौन से फेजेस को क्रॉस किया है तो जितना हम अपने लक्ष्य को चाहते हैं उससे ज़्यादा उस रास्ते को भी चाहें तो रास्ता हमेशा एक जैसा नहीं रहेगा रास्ते में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे और पहले से ही हम एंटिसिपेट करके चलेंगे कि प्रॉब्लम्स आना है तो ठीक है हम कभी सुसाइडल की ओर नहीं जाएंगे डिप्रेशन नहीं आएगा ठीक है थोड़ा बहुत उन्नीस बीस है चलता है देख लेंगे तो पेशेंस रखना अपने भीतर सीखें जो पेशेंस रखेगा वह आसानी से तो नहीं लेकिन पार अवश्य कर जाएगा वह टूटेगा नहीं थोड़ा पीछे रह जाएगा कोई बात नहीं स्पीड से नहीं भागेगा हाँ लेकिन धीरे धीरे इन्हें वो फेज़ हमने निकाल लिया तो फिर देखना आप लिप्स एंड बाउंड्स एकदम बहुत आगे बढ़ जाऊँगा कुछ टाइम के बाद ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है अमिताभ बच्चन की स्टी मालूम है कितने बार रिजेक्शन फेली फेस किया था उसने अपनी आवाज़ को लेकर के रिजेक्ट हुआ था कितनी बार रेडियो अनाउंसर में फिर और आज दुनिया उसके आवाज़ के कायल है तो ऐसे बहुत सारे हैं आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे एडिशन का एग्जाम्पल आपने सुना होगा कितने बार वो फेलियर हुआ था फिर बाद में जा कर के तो सक्सेस मिली थी तो हमें नहीं कह रहे कि आप भी अमिताभ बच्चन ही बन जाओगे एकदम टॉप में ही पहुंच जाओगे लेकिन इतना तो अवश्य है कि उस फेस को आप आसानी से पार अवश्य कर जाओगे और आप एक अच्छी पोजिशन को तो अवश्य अचीव कर लोगे क्योंकि दुनिया में हर एक की लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं जो उनसे घबरा जाता है वो बिखर जाता है जो उन्हें धैर्य से पेशेंस से सामना कर लेता है वो निखर जाता है अब चॉइस आपकी है आपको बिखरना है कि निखरना है